प्लेऑफ्स तक पहुंचने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने तीन बड़ी टीमों को हराया, मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर। अब प्लेऑफ में लगातार तीन मैच उन्हीं तीन टीमों को हराकर जीत सकते हैं अपने इतिहास का दूसरा आईपीएल टाइटल सनराइजर्स हैदराबाद। और इस एलिमिनेटर के 5 पॉइंट प्रीव्यू के लिए हमारे साथ गौतम गंभीर ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी। पॉइंट नंबर वन, बेंगलुरु को मिडिल ओवर्स का तोड़ निकालना होगा। अब एबी के बाद ज्यादा ताकत है नहीं इस लोअर और मिडिल ऑर्डर में। विराट का भी इस सीजन वो पांचवा गियर नहीं दिखा है गौतम, और मिडिल ओवर्स में टीम का रन रेट बाकी सभी टीमों से काफी कम है और विकेट भी सबसे ज्यादा गिरी है। कैसे निकाले इस मसले का हल? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आरसीबी के लिए। अगर एबी डिविलियर्स बढ़िया बल्लेबाजी ना करे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमने पिछले 2 या 3 मैचेस में देखा है। इसलिए विराट कोहली का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिस मॉरिस को एक्चुअली डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है विद द बैट, क्योंकि क्रिस मॉरिस के पास भी एबिलिटी है बड़े शॉट्स लगाने की। तो इसलिए एबी डिविलियर्स के साथ अगर क्रिस मॉरिस और इंडियन जो बल्लेबाज है, चाहे वो शिवम दुबे हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, इनको प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और अपन से यह ना एक्सपेक्ट करें कि आपको 50 रन बना के देंगे। हर व्यक्ति अगर 15 बॉलों में 25-30 रन भी बनाता है तो शायद आप 170 के टोटल तक पहुंच सकते हैं। अब बात आरसीबी की टीम सिलेक्शन की, पिछले कुछ मैचों में जोशुआ फिलिपे से ओपनिंग कराने का एक्सपेरिमेंट इतना चला नहीं है, तो क्या इस बड़े मैच में फिंच के एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको लाना चाहिए फिलिपे के बदले, या फिर मोइन अली की ओर देखना चाहिए? लेकिन आपने सूर्यदाना से इतनी ज्यादा गेंदबाजी कराई नहीं है, तो आप सूर्यदाना की जगह मोइन अली को लेके आ सकते हैं और फिलिपे की जगह आरन फिंच को लेके आ सकते हैं, उनको मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं एबी डिविलियर्स के बाद नंबर 5 पे, और मोइन अली के साथ ओपन कर सकते हैं देवदत्त पाटिकल के साथ, जिससे मोइन अली को आप फ्रीडम दें तो जाके खुल के खेले। प्लस आपका मिडिल ऑर्डर फिर एबी विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, आरन फिंच, उसके बाद शिवम दुबे और क्रिस मॉरिस, तो ये बहुत सॉलिड मिडिल ऑर्डर नजर आता है, जहाँ पर एक गेंदबाज को ये पता है कि अगर एबी डिविलियर्स आउट भी हो गए तो आरन फिंच ने आना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी डेप्थ भी बढ़ जाती है, प्लस आपको मोइन अली के साथ एक और स्पिन ऑप्शन भी मिल जाती है वॉशिंगटन सुंदर और चहल के साथ, तो 3 स्पिनर, मुझे लगता है ये बेहतर टीम होनी चाहिए। अब बात हैदराबाद की बैटिंग की, गौतम, हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी वार्नर और सहा ने इस टीम के कैंपेन को एक नई ऊर्जा, नई दिशा दी। ये बहुत बड़ा थ्रेट है बैंगलोर की बॉलिंग लाइनअप के लिए। अब इन दोनों को नहीं रोका तो फिर गए काम से। बैंगलोर के बॉलर्स का क्या गेम प्लान होना चाहिए वार्नर और सहा के खिलाफ? देखिए, सनराइजर्स को आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि क्रूशल मैचेस में उन्होंने जॉनी बेस्टो को बिठा के रिदमन साहा से ओपनिंग कराई और रिदमन साहा को फ्रीडम दी कि जाकर आप खुल के खेलिए। और उसी फ्रीडम की हम बैंगलोर के बारे में भी बात करें कि आप मोइन अली को ऊपर ओपन करा के उनको भी वो फ्रीडम दे सकते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट या बोल्ड मूव्स लेते हैं और उनको बैक करते हैं तो फिर रिजल्ट्स भी आपके फेवर में ही जाते हैं। और जब से रिदमन साहा ने ओपन करना शुरू किया, डेविड वार्नर का भी फॉर्म बेहतर होता चला गया, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको रोकना बहुत जरूरी है। और रोकने के लिए आपके लिए अच्छी गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी है, प्लस आपको नवदीप सैनी को वापस लेके आना पड़ेगा और नई गेंद उनको थमानी पड़ेगी। और गौतम, इस मैच में एक बहुत ही दिलचस्प मैचअप हमारे सामने होने वाला है, संदीप शर्मा वर्सेस विराट कोहली। अब संदीप शर्मा ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट ली है पाप ले में, पिछले मैच में जहीर खान के उस रिकॉर्ड को उन्होंने पार किया। और पिछले मैच में ही नई गेंद से नकल बॉल के द्वारा उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया, डिकॉक को आउट किया और विराट कोहली को T20s में संदीप शर्मा 7 बार आउट कर चुके हैं। इस मैच में कैसे गेम प्लान के साथ उतरना चाहिए संदीप शर्मा को विराट कोहली के खिलाफ? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा मैचअप्स में बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि कोई ना कोई गेंदबाज को बल्लेबाज को आउट करेगा और T20 में तो वैसे गेंदबाजों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बल्लेबाजों को आउट करना, क्योंकि बल्लेबाजों की जो नॉर्मल इंटेंट है वो रन बनाने का होता है। प्लस संदीप शर्मा की बहुत बड़ी खासियत यह है कि अगर आप उनकी फील्ड नई गेंद से भी उनकी फील्ड पोजिशन देखें, लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग लेके गेंदबाजी करते हैं, कीपर को स्टम्प्स के पास खड़ा करते हैं, तो ईगो छोड़नी बहुत ज़रूरी है। कई फास्ट या तेज़ गेंदबाजों की ईगो होती है और वो ये चाहते हैं कि विकेट कीपर हमेशा पीछे रहे, तो संदीप शर्मा की क्वालिटी की अपने उनको अपनी लिमिटेशंस पता है और उन लिमिटेशंस के साथ अगर आप गेंदबाजी करोगे तो फिर आपको सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, आपको सिर्फ स्मार्ट होने की जरूरत है और वो संदीप शर्मा है। अब बात आरसीबी की बॉलिंग की, गौतम, आईपीएल के सेकेंड हाफ में आरसीबी की बॉलिंग की परेशानी ये रही है कि विकेटें नहीं मिल रही है, बाकी सभी टीमों से कम विकेटें ली हैं आरसीबी ने सेकेंड हाफ में, और काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस या प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटी युजवेंद्र चहल के कंधों पर रही है। क्या आपको लगता है कि एक वीकनेस है और ऐसे में विराट कोहली क्या बेहतर कर सकते हैं? देखिए, क्रिस मॉरिस, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज 3 अच्छे गेंदबाज हैं आपके पास, प्लस अगर आपके पास वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अगर मोइन अली को वापस लेके आते हैं तो ये 6 गेंदबाज टॉप क्वालिटी गेंदबाज है, जिसमें सारे ही इंटरनेशनल गेंदबाज हैं। बहुत कम ऐसे फ्रेंचाइज हैं जिनके पास आपको 6 गेंदबाज इंटरनेशनल गेंदबाज मिलेंगे।
मोहम्मद सिराज इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, नवदीप सैनी खेल चुके हैं, क्रिस मॉरिस, वॉशिंगटन सुंदर, मोइन अली और युजवेंद्र चहल। तो इसके बावजूद अगर आप विकेट नहीं लेते तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपनी गेंदबाजी को ही ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी गेंदबाजी बहुत कम साइज के पास होगी कि आपके पास इतने अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज। तो इसलिए अल्टीमेटली पहले रन लगाने जरूरी है, प्लस क्रिस मॉरिस को नई गेंद से आउट करना बहुत जरूरी है, और सिराज को। अगर आप ऊपर से नई गेंद से आउट करते हैं तब आपके स्पिनर्स के ऊपर कम प्रेशर होता है विकेट्स चटकाने के लिए। सेकेंड हाफ में कमाल की ऊर्जा पकड़ी है हैदराबाद टीम ने और पहुंचे प्लेऑफ तक, टीम टू बीट अब लग रही है क्योंकि बिग फिशेस को हराया है हैदराबाद ने। तीनों टीमों को अब तक इस टूर्नामेंट में प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए आरसीबी, एमआई और डीसी तीनों को हरा चुके हैं। क्या वही कमाल एक और बार दोहरा सकते हैं तो फिर टाइटल उनका हो जाएगा। फिलहाल गौतम, थैंक सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी।